Hello, my dear children. Today we are going to read chapter number 18, punctuation. You already know about punctuation. Punctuation means full stop, comma, mark of interrogation means question mark, mark of exclamation means uh, sudden emotions, sudden feeling. एंड कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स दीज आर दंक्टुएशन दीज सेंटें वी आर गोइंग टू द जू दिस इज दिंपल सेंटेंस तो वी बुट फुल आर गोइंग टू द जू सो हियर वी विल यूज एक्सक्लामेटरी साइन वी आर गोइंग टू द जू मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हम जूस आ रहे हैं ओके द पंक्चुएशन मार्क्स इन दी सेंटेंसेस सजेस्ट थ्री डिफरेंट सिचुएशंस द फुल स्टॉप और पीरियड ऑफ द फुल स्टॉप और पीरियड रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट पॉज जब आपके सेंटेंस में एक लॉन्गेस्ट पॉज आता है तो वहाँ पे फुल स्टॉप यूज होता है एंड वी विल यूज कॉमा

टू बिगन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोइट्री अगर किसी पोएट्री में हर नई लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं फॉर ऑल प्रॉपर नाउंस एंड एग्जेक्टिव फॉर्म फ्रॉम दैम जितने भी प्रॉपर नाउन हैं लाइक नेम ऑफ डेज नेम ऑफ मंथ नेम ऑफ प्लेस ओके नेम ऑफ लैंग्वेज तो जितने भी प्रॉपर नाउन हैं वो भी कैपिटल लेटर में आते हैं टू राइट द प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शंस ओ एंड ओ जब सिंगुलर आई होता है सिंगल आई होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और इंटरजेक्शंस होते हैं ओ ये भी कैपिटल लेटर में होते हैं ओके okay? तो नहीं दिस इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड थैंक यू